तुम्हारी मोटर तो मुझसे आगे निकल गई थी, फिर जानबूझ कर जीती हुई बाजी क्यों हारी तुमने? इसलिए कि कुछ छोटी मोटी बातों के लिए तुम अपने आप को मेरा एहसान मंद समझते हो। राजेश, जिंदगी भर के एहसानों का बदला एक मामूली खेल की हार जीत में कौन चुका सकता है? फिर एक गरीब घर में जब भगवान किसी को जन्म देता है तो साथ साथ जिंदगी में उसे मायूसी और नाकामियों की बर्दाश्त भी देता है। रेस में जब मेरी मोटर तुमसे आगे निकल गई तो मैंने देखा उससे और झंझलाहट से तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है, इसलिए कि तुम शिकस्त के आदी नहीं हो। तुम हार जाओगे तुम्हें सदमा होगा। मैं ये सोच ही रहा था कि तुम मुझसे आगे निकल गए। आगे नहीं निकला, बहुत पीछे रह गया शिखर। इंसानी किरदार में यही हर बाजी जीत लेने की हविस, हर मनचाही चीज को पा लेने का लालच एक छुपी हुई लाइलाज बीमारी की तरह है जो इंसान की आत्मा को अंदर ही अंदर खाती रहती है। अब देखो ना कितना फर्क है तुम्हें मुझे। मैं जीत कर भी पछतावा हूं और तुम हार कर भी खुश हो। तुम ऐसा सोचते हो यही तुम्हारा बड़ापन है। कौन है जो अपने आप को इतनी सख्ती से परखता है, इतनी धन दौलत होते हुए भी दूसरों के एहसास का इतना ख्याल करता है? इस धन दौलत से वो गरीबी अच्छी शेखर जिसमें इंसान सुख की नींद सो जाए।